राधे राधे फ्रेंड्स, चार नंबर के ठाकुर जी के लिए लेकर आई हूँ ड्रेस। इसमें आप किसी भी साइज़ की ड्रेस बना सकते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें वाइट कलर का एक बेस तैयार करना होगा। इसके लिए ली है मैंने 3-ply ऊन, जिसमें हम बनाएंगे सबसे पहले 21 चैन। इक्कीस चैन बनाने के बाद अब हम इसमें 3 चैन के बाद एक डबल क्रोशिया लेंगे और इसी तरीके से हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमारे ये 18 डबल क्रोशे तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चैन, पहला और आखिरी क्रोशिया छोड़कर बाकी सब चैन में 2-2 डबल क्रोशिया बनेंगे। इस तरह हमारे ये 34 चैन तैयार हो गई हैं। अब हम फिर से 3 चैन बनाएंगे, पहली चैन, दूसरी चैन, तीसरी चैन और तीसरी चैन के साथ ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन में ही एक और बनाएंगे। इसी तरह से हम अपनी कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमारे फ्रेंड्स ये 44 हो गई हैं फंदे। अब हम इनमें फिर से 3 चैन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। के बाद हम यहाँ पर 11 चैन छोड़ेंगे। बारहवीं चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और कुल मिलाकर 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ग्यारह नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 फंदे बनेंगे क्योंकि पीछे हमें 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। अब हम फिर से यहाँ पे 11 चैन छोड़ देंगे। यहाँ पर 12 में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया पूरे होने के बाद अब फ्रेंड्स एक राउंड और कर लेंगे हम। इसी तरीके से हम डबल डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल करके राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको यहाँ से अटैच करेंगे सिंपल क्रोशिया से, कोई चैन नहीं बनानी। हर चैन से लेंगे और सिंपल इसमें से निकाल देंगे। हमें धागे को
चोली की साइड में लेकर जाना है। ये देखिए हम साइड में आ गए बिना चैन बनाए, सिंपल क्रोशे से। अब यहाँ पर आने के बाद मैं 4 नंबर की चोली तैयार हो गई है। अब हमें हर चैन में, यहाँ पे 3 चैन लेने के बाद हर चैन में हमें डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, एक चैन में डबल क्रोशिया, दूसरी चैन में सिंगल डबल क्रोशिया, 2, 1, 2, 1। इसी तरीके से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। इस बार हमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, 1, 1, यहाँ पे हमें लेने हैं 2। दो सिंगल डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, और 3 के साथ, 3 के साथ ही 4th डबल क्रोशिया। यहाँ पर 1 और डबल क्रोशिया बना देंगे और इसी में इसको अटैच कर देंगे। हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब तीसरा राउंड बनाने के लिए इसमें हम फिर से 3 चैन लेंगे। अब फिर से यहाँ पे लेंगे हम, इस बार 1 डबल क्रोशिया, 1, 2। इस बार इसमें हर बार हम 1, 2, 3 सिंगल, फिर 2 डबल, 1, 2, 3 सिंगल, फिर 1 साथ 2 डबल, 1, 2, 3 सिंगल, फिर 1 साथ 2 डबल, इस तरीके से घेरा कंप्लीट करेंगे। एक, दो, तीन, 4 में करेंगे हम डबल, 1, 2, 3, 4 में करेंगे हम डबल, 1 मतलब बनाया, 1 पहले का है, इन दोनों को हम अटैच कर देंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसको बनाने के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 3 चैन लेंगे। अब फिर से हम करेंगे 1, 2, 3, 4, इस बार हम 5 में डबल क्रोशिया लेंगे, 5वें फंदे में डबल क्रोशिया,
एक दो तीन चार और पांच में डबल दो डबल क्रोशिया। इसी तरह हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारे एक दो तीन चार चार राउंड कंप्लीट हो गए हैं। एक दो तीन चार, अब हमें चार राउंड और बनाने हैं इसमें, जिसमें कि अभी तक पहले हमने दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और फिर पांचवे फंदे में दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसके बाद हम छठे फंदे में डबल क्रोशिया, फिर सातवें में, फिर आठवें में और फिर नौवें फंदे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह करके हम अपना घेरा कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा घेरा पूरा तैयार हो गया है। हमने ये आठ राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे येलो से इसकी बाउंड्री बनाएंगे। जैसे हमने आठ गोले बनाए हैं, सेम इसी तरीके से नाइन्थ राउंड भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले येलो को इसमें अटैच करेंगे। तीन चैन लेंगे, फिर से हम सेम उसी पैटर्न में बनाना शुरू कर देंगे। अभी तक हमने ये जो लास्ट राउंड में नाइन्थ चैन में डबल क्रोशिया लिया था, इस राउंड में हम टेंथ चैन में डबल क्रोशिया लेंगे और ऐसे ही राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें इस ड्रेस की तरह ये बनाएंगे इसकी बाउंड्री। इसके लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पे हम इस पीले धागे को अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम डबल डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ दो क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन डेढ़। देखिए, एक बार लेकर डबल क्रोशिया की तरह से लेना है, लेकिन डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। इसको एक ही बारी में कंप्लीट कर देना है। इस तरह के हम यहाँ पर दो बनाएंगे क्रोशिया। इस तरह लेकर इन तीनों में से एक ही बार निकाल देना है, फिर एक और लेना है, इसी में से ही दो दो क्रोशिए बनाने हैं। इस तरह करते करते इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जब इस जगह पे पहुँचे तो यहाँ पे हर चैन में हम इसी तरीके से एक एक क्रोशिया लेंगे। ये देखिए, एक चैन में से तीन में से, अब दूसरी चैन में, इस तरह ही हम यहाँ तक पहुँच कर फिर से दो दो क्रोशिया करके इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसमें इस तरह के फूल बनाकर, पत्तियाँ बनाकर, ये सब बनाकर इस पर लगाएंगे। अब इस ड्रेस के लिए बनाएंगे फ्रेंड्स हम सबसे पहले ये पत्तियाँ। इन पत्तियों को बनाने के लिए चाहिएगी हमें डार्क ग्रीन कलर की ऊन, लाइट ग्रीन कलर की ऊन और इसमें येलो कलर की रील चाहिएगी। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे चैन। आप देखिए इसमें आपको कितनी चैन बनानी है, क्योंकि पत्ती की लंबाई के हिसाब से इसमें चैन बनेंगी। मैं यहाँ पर ये बड़ी पत्ती बनाने के लिए 18 चैन का यूज़ कर रही हूँ।
ये चैन बन गई। अब इसमें तीन चैन छोड़कर मुझे इतनी लंबाई चाहिए थी 15 चैन की, लेकिन उसमें तीन चैन एक्स्ट्रा लेनी होंगी जिससे कि हमारी नीचे से गोलाई का कर लेंगी। अब इसमें हम तीन चैन छोड़ के यहाँ से स्टिच करेंगे इसको डबल क्रोशिया से, एक डबल क्रोशिया और उसी चैन में बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे ढाई क्रोशिया, जिसके लिए हम तीन क्रोशिया की हेल्प लेंगे, जिसमें कि हम पहले एक और फिर तीनों में से निकाल देंगे, फिर से नेक्स्ट चैन में इस बार पूरा तीन क्रोशिया लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे से छोटा ऊपर से बड़ा होता जा रहा है। फिर से हम ढाई लेंगे, एक और फिर तीनों में से एक। इसके बाद हम अब छोटा करते चले जाएंगे, डबल क्रोशिया, उसके बाद डेढ़ क्रोशिया। डेढ़ का मतलब तीनों में से एक ले लेना। उसके बाद अब हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर हम स्टिच करेंगे इसको, तीन बार स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तीन बार स्टिच हो चुका है। ये देखिए आधी पत्ती बन चुकी है, ये देखिए। अब हम इसको आधी को दूसरी तरफ से कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हमें ऊपर की चैन और इस साइड से हमें चैन में हुक करना है और सेम स्टिच करना है हमें सिर्फ। फिर उसके बाद हम लेंगे सिंगल क्रोशिया, उसके बाद एक और सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद हम लेंगे डेढ़ क्रोशिया, उसके बाद हम लेंगे डबल क्रोशिया, फिर लेंगे हम ढाई क्रोशिया। ढाई क्रोशिया के बाद लेंगे हम तीन क्रोशिया, एक दो तीन। उसके बाद हम फिर से ढाई लेंगे, सेम हुक में अब डबल डबल क्रोशिया से इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सेम चैन लास्ट वाली में तीन डबल क्रोशिया से इसको कंप्लीट करेंगे, एक दो। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे आपका स्पेस ज़्यादा है तो आप इसमें एक डबल क्रोशिया और कर सकते हैं और फिर इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये हमारी पत्ती तैयार हो गई है, देखिए। इसको हम काट देंगे। अब इसको डेकोरेट करने के लिए हमें चाहिए दूसरे रंग की ऊन। आगे का काम फ्रेंड्स हम इस धागे से करेंगे, सुई धागे से। अगर आप क्रोशिया से कर सकते हैं तो उससे कर लीजिए, उससे थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं इससे कर रही हूँ। इसमें हम पीछे से शुरू करेंगे, यहाँ पे मैंने नोट को अटका दिया है। पहले हम इसमें बीच में एक लंबी लाइन बनाएंगे, ये देखिए हमारी लंबी लाइन बन गई। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे जैसे ये बने हुए हैं,
इस तरीके हम छोटे छोटे लाइन बनाएंगे साइड से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह करते चले जाइए। इससे इसका बहुत प्यारा लुक आएगा फ्रेंड्स। आप चाहें तो सिंगल कलर में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो लुक डबल ट्रिपल कलर करने में आता है वो सिंगल कलर में नहीं आता। इस तरह करके इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स हमने इसमें ये बनाए हैं, देखिए इसी तरीके से अब पीले रंग के धागे से डबल कर लिया है। पीले रंग के धागे से भी इसको ऐसे ही करेंगे। देखिए इसे हम थोड़ा दूर दूर करेंगे। ग्रीन कलर से हमने थोड़ा पास पास किया था। ये देखिए इसी तरीके से हम पूरी पत्ती कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी पत्ती तैयार हो गई है। इस तरीके से हमने और भी पत्तियां तैयार कर ली। देखिए फ्रेंड्स इस ड्रेस में लगे हुए ये सर्कल, अब हम ये तैयार करेंगे। इसके लिए लेंगे हम अब इसमें बनाएंगे हम 6 चैन। इन 6 चैन को हम एक सर्कल में स्टिच कर देंगे। पहली चैन में हम यहाँ पे अटैच करेंगे इसको। देखिए अब हम डबल क्रोशिया करते जाएंगे इस सर्कल में। इसमें हम 11 डबल क्रोशिया करेंगे। ये हो गए हमारी 11 डबल क्रोशिया। अब हम इसको यहाँ से अटैच कर देंगे। अब इसके ऊपर हम सिंगल सिंगल क्रोशिया से एक बार और राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चैन में 2 क्रोशिया और एक चैन में 1 क्रोशिया। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 यहाँ पर मेक करेंगे, क्योंकि हमने पहले से यहाँ पे स्टिच किया हुआ है और उसमें इसको अटैच कर देंगे। ये बन गया हमारा सर्कल। देखिए हमारा सर्कल तैयार हो गया है। इस तरीके से हम और सर्कल तैयार कर लेंगे। देखिए अब इसके बाद बनाएंगे हम फूल। फूल बनाने के लिए हम इसमें बनाएंगे सबसे पहले चैन।
इसमें आपको जितनी पत्तियां बनानी है फूल की, देखिए ये जैसे ये जितने बनाने हैं आपको सर्कल, उसके आप चार गुना ले लीजिए चैन। मैं 10 बना रही हूँ तो 40 फंदे ले रही हूँ, 40 चैन। चालीस पूरे हो गए हैं। अब यहाँ पे 6 क्रोशे एक्स्ट्रा बनाऊंगी, 6 चैन, और 10 के बाद इसको अटैच करूंगी। ये अटैच हो गया। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे एक छोटा सा लूप आ गया है। इस तरीके से अब हम यहाँ पे लूप बनाते जाएंगे। 7 चैन लेंगे, 4 में अगली 4 चैन बाद इसको अटैच कर देंगे। फिर से हम 7 लेंगे, 4 चैन बाद अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट के हमें थोड़े बड़े बड़े रखने थे, अब हम थोड़े छोटे छोटे लेकर चलेंगे। अब हम 6 चैन लेंगे, 4 के बाद अटैच करेंगे। फिर से 6 लेंगे। अब 6 करके 4 से कंप्लीट करके राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने 40 चैन ली थी, उसके हिसाब से हमारे ये 10 बन चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान रखना फ्रेंड्स, 40 चैन के बाद ये 6 या 7 चैन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लेनी होंगी, जिससे आपका पहला लूप बन सके। इसके बाद हम यहाँ पे अब 3 चैन लेंगे, और उसके बाद ये जो आपके लूप बने हैं इनमें आप डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। हर डबल क्रोशिया में आपको 9 डबल क्रोशिया लेने हैं। ये आपके 9 कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक अलग से चैन दिखेगी, उसमें आपको सिर्फ इसको सेमी स्टिच करना है। सेमी स्टिच के बाद आप फिर से बिना चैन बनाए डायरेक्ट डबल क्रोशिया बनाए। फिर से आपको 9 क्रोशिया बनाने हैं, 9 डबल क्रोशिया। इस तरह से करते करते आप 9 डबल क्रोशिया बनाकर आखिरी तक घेरा कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको अटैच करने के लिए हमें सबसे पहले इसको ऐसे सर्कल राउंड में घुमाएंगे। ये थिक फ्लावर बनाने का सबसे इजी मेथड है फ्रेंड्स। ये देखिए तैयार हो गया। इसको हम सुई धागे की मदद से अटैच कर देंगे।
इसको सुई धागे से भी ऐसे ही नहीं, बहुत इजीली अटैच करेंगे। देखिए चारों में को लेके आइए अपने सुई, फिर इन्हीं चारों में को आप जाते हुए दूसरे राउंड में कंप्लीट कीजिए, फिर इस वाली चारों से लेके आइए सुई, इन चारों को आपस में अटैच कीजिए, फिर थोड़ा घुमा करके उसे वापस ले जाइए, फिर अगले राउंड से चारों में लेके आइए, फिर थोड़ा घुमा करके उसको निकाल दीजिए, फिर उससे अगले वाले में अटैच कीजिए, फिर उसे वापस निकाल दीजिए, और ये लास्ट वाला इसको अटैच कीजिए, फिर इसको अटैच करते हुए बाहर निकाल दीजिए। देखिए आपका पूरा फूल अटैच हो जाएगा, और पीछे से इसको धागे को ऐसे करके कट कर दीजिए। जिमन के फूल तैयार हो गया आपका। इस तरह के और भी फूल तैयार कर लीजिए। इसमें थोड़ा बड़ा फूल तैयार किया है दूसरी साइड लगाने के लिए। अब इन सब चीज़ों को आप अपनी प्लेन ड्रेस पे अटैच कर दीजिए। देखिए इसमें यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए सभी फ्लावर्स। यहाँ पर ये लग जाएगा, इनमें पत्तियाँ सेट कर दीजिए। इस तरीके से सब अटैच करने के बाद यहाँ पे ये लगा दीजिए। इन सबको सुई धागे से अटैच कर दें आप। अटैच करने के बाद आपके पास जो भी स्टोन लीव्स या फिर बारीक पत्ती कुछ भी आप इन पे डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसकी कैप बनाने के लिए हम लेंगे वाइट कलर की ऊन, और उस पर ये छोटे छोटे जैसे ये बनाए थे इनमें सिंगल राउंड में ही कंप्लीट करने के बाद ये तैयार हो जाएंगे। इन तीनों को लगाने के बाद पत्ती इसी तरीके से छोटी सी पत्ती बनाकर लगा देंगे। आइए देखते हैं। इसमें हम वापसी छह चैन बनाएंगे। छह चैन बनाने के बाद उसको पहली चैन में स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद उसमें हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 11 कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। इसको अब यहाँ से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अब हमें हर चैन में डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हम 3 चैन लेंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया है। इसके बाद हर चैन में हमें सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है।
अब लास्ट में आकर इसको अटैच कर दे। अब इसके बाद हमें एक एक और सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाना है हर चैन में। ये देखिए लास्ट में इसको यहाँ से अटैच कर देंगे। इसको होने के बाद इसको हम पलट देंगे। पलटने के बाद देखेंगे आप ये शेप आ गई है। इतनी शेप आने के बाद अब इसमें हर चैन में हम डबल डबल क्रोशिया करेंगे। तीन चैन लेने के बाद ये हमारा पहला क्रोशिया बन गया, पहला डबल क्रोशिया। इसके बाद हर चैन में हम डबल डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए एक और इसी चैन में दूसरा, इस चैन में ये एक और यहीं पर ये दूसरा। इसी तरीके से आप राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। इस बार हम सिंगल सिंगल क्रोशिया से एक बार और राउंड को कंप्लीट करेंगे। पूरे पे सिंगल सिंगल क्रोशिया राउंड करेंगे। ये देखिए एक एक बार और कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें येलो कलर की ऊन लेंगे। इसमें यहाँ इसको अटैच करके अब इससे एक एक बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चैन में सिंगल क्रोशिया, एक चैन में सिंगल सिंगल दो क्रोशिया, एक चैन में एक बार सिंगल क्रोशिया, दूसरी चैन में दो बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए हम लास्ट में पहुंच गए हैं। लास्ट वाले में ही हमें डबल क्रोशिया करना था तो मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लिया और इसको यहाँ से हम कर देंगे अटैच। ये बन गई हमारी कैप। इसको नीचे अटैच कर देंगे। देखिए अब इस पे ये सब बना कर लगाएं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह के हम छोटे छोटे बनाएंगे ये इन पे लगाने के लिए। ये देखिए इसको मैं बता देती हूँ आपको, इसमें आपको चार चैन लेनी है, एक दो तीन चार, और आपको पहली चैन में इसको अटैच करना है। पहली चैन में अटैच करने के बाद आपको तीन चैन लेनी है और फिर इसमें आपको सात डबल क्रोशिया बनाना है। सात डबल क्रोशिया आपको इसी हुक से लेने हैं। ये हमने सात बना लिए और इसको यहाँ से हम कर देंगे अटैच। ये अटैच हो गया, देखिए छोटा सा राउंड बन गया है। इसको हम पीछे यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये देखिए छोटा सा सर्कल तैयार हो गया है। अब इसके लिए बनाएंगे हम पत्ती। इस छोटी सी पत्ती का भी फ्रेंड्स वही मेजरमेंट होगा जो हमने बड़ी पत्ती का बनाया था। जितनी लंबी पत्ती चाहिए उतनी ही चैन, एक दो तीन चार। इसके लिए मैं चार ले रही हूँ। चार के बाद मुझे दो एक्स्ट्रा लेने होंगे जिसका मुझे पीछे से लूप बनाना होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया
सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल क्रोशिया और फिर इसको यहाँ से सेमी अटैच कर दिया। उसके बाद हम इस साइड आएंगे, इस साइड मैंने इसको सेमी अटैच करने के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया लिया और एक और सिंगल क्रोशिया लिया और इसको यहाँ से अटैच कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी छोटी सी पत्ती तैयार है। इसको पीछे अटैच कर देंगे, ऐसे इधर से कट कर देंगे। इसकी डेकोरेशन भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पत्ते को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, छोटी सी पत्ती तैयार हो गई है हमारी। अब इस पर हम येलो कलर की रील से डेकोरेशन करेंगे। फ्रेंड्स, हमारी पत्ती तैयार हो चुकी है, अब हम इस पर लगा सकते हैं ऐसे। इसको हम अटैच कर देंगे सुई धागे की मदद से, इस तरह करके। देखिए, ये सब आप लगा सकते हैं, आपकी हेड तैयार हो जाएगी। हमारा इस हेड तैयार हो गया फ्रेंड्स, इसे आप सुई धागे से अटैच कर दीजिए तो आपकी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। उसके ऊपर आप स्टोन लगाएं, कुछ भी लगाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले दिखाई दे। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।